मिठाई असी थोड़े सांवले ड्रीम कम ट्रू। हाय गाइस, दिस इज शिल्पा सिंह राजपूत। नमस्ते गाइस, दिस इज कृष्णकांत सिंह। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तुम आजकल नमस्ते क्यों नहीं बोलते? तो गाइस कैसे हैं आप लोग? नमस्ते क्यों नहीं बोलते आप? ये बाबूराव का स्टाइल है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो पहले से हाय हेलो नमस्ते। अच्छा ठीक है। कुछ भी जो मेरे मुंह में जल्दी आ जाता है वो निकल जाता है। अभी मैं नमस्ते भी बोल रही हूं। मैं तो इसलिए बोलता हूं कि मतलब बहुत लोग ऐसे बोलते भी हैं कि क्यों, लेकिन मैं इसलिए बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं जिस भी कल्चर से हम बिलोंग करते हैं हमें अपना कल्चर को रिप्रेजेंट करना चाहिए कहीं पर भी। ऐसा कुछ नहीं कि मैं अपना कल्चर को, मुझे ऐसा मत बोलना कि आप नहीं करना चाहते। मैं ऐसे ही जो मेरे मुंह में जल्दी से आ जाता है वो, क्योंकि ऐसे ही हूँ मैं। ठीक है, आज हम एक वीडियो लेके आए हैं। वीडियो का नाम है शाया बाय सरमद कादिर। याद है कौन है ये? कादिर। कादिर, हाँ वही। स्टारिंग जन्नत मिर्जा एंड अली जोश, बिलाल सहीद, और ये 1-2 रिकॉर्ड्स का चैनल का है। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और जब हमारे पास ऑफिशियल परमिशन है बट कॉपीराइट आएगा। जब हमने वीडियो मतलब रिएक्शन स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मैं कुछ मैशअप मैं तुम्हें भेजा करता था। रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया था तब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे। ठीक है, तुमने रिएक्शन नहीं किया था तब। हम एक मैशअप सुनते थे, हमें बहुत पसंद था। हम दोनों के सॉन्ग्स चॉइसेस बहुत ज़्यादा सिमिलर है तो हम गाने सुनते थे। तो उस वो मैशअप इन्होंने और एक और फरहाना मकसूद उन्होंने गाए होते थे और हमें बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। और मैं बहुत टाइम से सर्च कर रही थी, इनका कोई मुझे सॉन्ग नहीं मिल रहा था। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि मतलब सरमद कादिर, जिसका सॉन्ग मैं पहले बहुत पसंद करती थी इन 2017 और उस टाइम पे, और अब जन्नत मिर्जा का उनका नया सॉन्ग आया है। तो मतलब यार बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं तो। और मेरे 400 के भी होने वाले हैं, तो प्लीज़ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए जल्दी से, मेरे 400 के करा दीजिए यार, है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके आप लोग चेकआउट करना। तो हियर वी गो, 1-2-3 एंड स्टार्ट। हाय गाइस, आजकल आप काफी ज्यादा नोटिस कर रहे होंगे कि आपको आईक्यू ऑप्शन के एड्स बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहे होंगे। और मिलेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि आईक्यू ऑप्शन ऐसी ट्रेडिंग साइट है जो आपको एक बहुत लग्जीरियस लाइफ दे सकती है। और बहुत सारे लोग ऐसी लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आईक्यू ऑप्शन की ये है कि वो आपका कोई भी पर्सनल डाटा नहीं मांगता, लाइक पासपोर्ट डिटेल्स एंड ऑल कुछ भी नहीं चाहिए होता। और मैं आपको एक सबसे अच्छी उनकी बात, आईक्यू ऑप्शन की ये भी बात मुझे लगती है, वो ये है कि आप उसमें कितने भी अमाउंट का विड्रॉल ले सकते हो, चाहे वो $50 का हो या $5,000 का हो। तो ये सबसे अच्छी बात है आईक्यू ऑप्शन की। और एक टेक्निक भी मैं आप लोगों को के साथ शेयर करना चाहूँगी। ये टेक्निक है जो मैंने भी देखी है, जो कि है कि अगर आप एक बार अप पे बैट करते हो और एक बार डाउन पे बैट करते हो तो आपके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है और आप लोग रजिस्टर करना चाहते हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज़रूर रजिस्टर कर सकते हो। और आपको इस लिंक से रजिस्टर करने में बोनस भी मिलेगा। एंड अगर आप भी और भी टेक्निक्स जानना चाहते हो इसी तरह की अच्छी, तो मैं नीचे एक टेलीग्राम पेज लिंक कर दूंगी, आप वहाँ से जा सकते हो। वो हमारे फ्रेंड है, बहुत ही अच्छी टेक्निक्स बताते हैं ट्रेडिंग करने की, तो आप वहाँ से ज़रूर चेकअप कर सकते हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। भाई मुझे वो किताब देना जिस पर शायर लिखा है। ये किताब तो बिक चुका है, वो साहब किसी भी वक्त आता होगा। मुझे तो वही किताब चाहिए थी। लीजिए, कुछ किताबें इतनी खूबसूरत होती हैं जिन्हें देखते ही उन्हें अपने दिल की शेल्फ में रखने को जी मचलने लगता है जी। वो ये किताब आप ही रख लीजिए, इस किताब के शब्द बहुत खूबसूरत है आपकी तरह। और damn it, फिर भूल गया। और मेरी लाइन की सी यार, स्क्रिप्ट की तरह यार। उफ, गर्मी यार, ये डायलॉग बहुत भूलता है, बस पैकअप करवा दो। जी सर। एक्टिंग तो तुम भी बड़ी अच्छी कर लेते हो, मैंने तुम्हारी शॉर्ट फिल्म देखी है, कभी इसे भी करके देखो। थैंक यू सो मच सर, ट्राई करो कभी। सर कभी मुझे भी मौका देना। हाँ हाँ जरूर जी सर, जरूर। तुम बस पैकअप करवा दो। पैकअप क्या ये नहीं, टिकटॉकर्स
वे सुन सजना वे दिल दी आवाज़ां तेनू मंगदा मैं पढ़ के नमाज़ां मैं दिन विच लिखदा तेरे ही बारे ते राती गिणदा रहंदा तारे असी तारे गिनण दे नी हुण माहिर हो गए आ तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए आ असी तारे गिनण दे नी हुण माहिर हो गए आ तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए आ मुझे लग रहा था स्टार्टिंग में कि ये कोई वेब सीरीज है कि छोटा मोटी कोई वीडियो है वाइंस वगैरह मेरे को लग रही थी क्योंकि एक मिनट निकल गया था और कन्वर्सेशन ही चल रही थी लेकिन जो कन्वर्सेशन था उसका मीनिंग था है ना एक्टिंग थी एक शूटिंग चल रही थी एक पूरी स्टोरी बहुत प्लेजेंटली प्रेजेंट की गई मुझे बहुत मजा आया और बहुत टाइम बाद मैंने इनकी आवाज सुनी है बहुत लोग होंगे एक्चुअल में तो जन्नत मिर्जा को तो सभी लोग जानते ही होंगे लेकिन शरमत कदीर को भी अकादीर को भी मेरे ख्याल से सब लोग जानते ही होंगे ऑलमोस्ट सभी जानते होंगे लेकिन अगर कोई नहीं जानते तो मैं ये कहना चाहूंगा आप गूगल करिए और इनके मैशअप निकालिए जरा
और एक बार सुनिए, और जो कि फरहाना मकसूदी है वो एक बार सुनिए, और उनके ऐसे सिंगल वाले भी सुनना, वो बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हुए थे। और एक्चुअल में ऐसा नहीं कि हम, मैंने तो चलो रिएक्शन करना स्टार्ट किया था, तो मुझे काफ़ी सारे लोग ने सजेस्ट किए थे, लेकिन यहाँ पे इंडिया में और भी ऑलरेडी बहुत सारे लोगों, वो इतना पॉपुलर है कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों के फ़ोन में या फिर देखने के लिए मिल जाते हैं कहीं कहीं। मैं तो रिएक्शन में नहीं करती थी तब, पसंद है तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ही रियल वाला, असली, एकदम असलियत से भी ज़्यादा असली वाला पसंद था। और ये सॉन्ग भी मुझे बहुत पसंद आया है, और जो लोग रिलेट कर सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुनने वाले हैं इस सॉन्ग को बहुत ज़्यादा बार। मैं, मुझे भी इसका लाइन लास्ट में याद हो गया, ऐसे शायर हो गया, बस इतना याद हो गया है, बाकी मैं भी दो तीन बार सुनूंगी तो याद हो जाएगा। और अभी ये चीज़ देखिए ऐसा लग रहा है कि लाइक कोई भी प्लेटफॉर्म हो यार, कहीं से भी लोग निकल के बड़े, अभी तो मुझे लगता है और भी बहुत सारे लोगों के ऐसे हिट वाले सॉन्ग आने वाले होंगे बड़े बड़े के साथ, जैसे कि आसिम अजहर के साथ अरिका हक का आया, और शमद कादिर के साथ जन्नत मिर्जा का आया, और भी बहुत सारे पॉपुलर क्रिएटर्स है जिनका आई थिंक आने वाला होगा। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा किसका किसका नया नया सॉन्ग आने वाला है। टिकटॉक ने ही रिसेंटली बहुत सारे लोगों का ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दिया है। अब ये हो गया है कि अब कोई भी चाहे, अगर कोई भी जिसके अंदर टैलेंट है या फिर जो अच्छा कर सकते हैं, उनको भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है। पहले के टाइम में होता था, हाँ पहले जाके धक्के खाते थे, ऑडिशन देते थे, वहाँ उनको कोई पूछता नहीं था। तो लाइक अभी बहुत सारे जो लोग ऐसे हैं जो नेपोटिज्म से बाहर निकल के, मतलब वो बिना कुछ वो सहे भी उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, जैसे यूट्यूब पे वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, टिकटॉक पे दिखा सकते हैं, लेकिन टिकटॉक तो फिलहाल अभी यहाँ पे बैन हो गया, लेकिन उसके उसके जैसा हमारा मेड इन इंडिया करके एक एप्लीकेशन आया, एमएक्स प्लेयर ने भी निकाल दिया है, एक आया है टकाटक ऐसे समथिंग करके एक आया है, और इंस्टाग्राम ने भी रील्स करके एक लॉन्च किया जो कि बिल्कुल टिकटॉक के जैसे ही है, पर इतना मजा नहीं आता रील्स में, लेकिन अभी टाइम लगे। वो एक होता है ना यूआई इंटरफेस, जैसे कि हम एक एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो फिर उसके जैसा दूसरा होगा तो नहीं मजा आएगा, तो वही होता है कि उसको यूज़ करने लग जाएंगे तो फिर एक दो महीने में वो भी सेटल हो जाएगा। राइट, पर यूज़ ही नहीं करते ना। सो यही थी गाइस आज की वीडियो, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बहुत जल्दी 400 की होने वाली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर हम लोग 400 की पार्टी है ना। क्या करोगे, क्या लेके आओगे? पार्टी मनाएंगे ना। हम मनाएंगे पक्का, लोग भी तो उधर सोच रहे हैं वो कैसे पार्टी में आप लोगों को भी हम बुलाएंगे ऐसे कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम पे चले आओ, वहाँ पे हम आपको बुलाएंगे, लाइव आएंगे आपसे बात करेंगे। वैसे भी बहुत टाइम से मैं लाइव में आई हूँ, है ना। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।